अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैजान। आप देख रहे हैं किचन विद फैजान यूट्यूब चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं एक दम क्रिस्पी और टेस्टी कचौड़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे बनेंगे और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चलिए शुरू करें। कचक बनाने के लिए हम लेंगे मूंगफली, एक कप मूंगफली, एक कप चीनी। जितनी आप मूंगफली ले रहे हैं उतनी ही आप चीनी लेंगे, और आधा कप लेंगे तिल। ये आप अकेले तिल के साथ भी बना सकते हैं, और इसे बादाम, पिस्ता, काजू के साथ भी आप बना सकते हैं। मैं मूंगफली के साथ बना रहा हूँ। बिल्कुल वैसी कचक बनाएंगे जैसी बेकरीज में मिलती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे बनेंगी। सबसे पहले हम तिलों को थोड़ी देर भूनेंगे, एक मिनट में ये भून जाएंगे। एक मिनट कम से कम इसे हम भूनेंगे। तिल हमारे भुन चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम चीनी को मेल्ट करेंगे, इसका कैरमल तैयार करेंगे। चीनी को हमने जो मेल्ट करना है तो बिल्कुल हल्की आंच पे मेल्ट करना है, और सात चमचा चलाते रहना है। तकरीबन 10 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगी। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है और चमचा हम चलाते रहेंगे। हमारी चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है, चमचे को हल्के से चलाते रहें। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, जल्दबाजी नहीं करनी कि आप तेज़ आंच रखें और इसे जल्दी से मेल्ट कर लें। अगर तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएगी, इसलिए हल्की आंच पे इसे हलाते रहें। दस मिनट में ये चीनी मेल्ट हो जाएगी। हमारी चीनी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है, अब हम आंच को और ज़्यादा हल्का कर देंगे। और इसे हलाना बहुत ज़रूरी है, हल्की आंच पे ये सारी तैयार हो। हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें मूंगफली को डालेंगे। और इसमें हम तिल डालेंगे और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे।
अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमारी गज्जक तैयार हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। ऑयल की जगह आप मक्खन, घी और देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी गज्जक तैयार हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारी गज्जक तैयार हो गई है, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा होगा तो हम इसे इधर से उतार लेंगे। हमारी गज्जक माशाल्लाह बहुत मजे की बनी है। रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ आप जान तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।